बहुत सारे रंगों और बहुत सारी प्रजातियों में पाया जाने वाला एक बहुत खूबसूरत सा पौधा जेरेनियम इसको हम लोग क्रेन बिल्स के नाम से भी जानते हैं अक्सर ये खूबसूरत सा पौधा गर्मियों में दम तोड़ने लगता और कुछ इसी तरह का सवाल आया था हमारे परिवार से मुन्नी बहन का आस्क वेस्ट वेस्टी सीरीज में और अपना एक सवाल था इनका प्लांट हाउस वाली बहन है इनका खुद का यूट्यूब चैनल है आप लोग विजिट कर सकते हैं तो आज एक छोटी सी कोशिश मेरी इन दोनों बहनों के लिए नमस्कार वेस्टी वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ आज वेस्टी वेस्टी सीरीज के तीसरे वीडियो में और आपसे एक बार फिर से गुजारिश करती हूँ कि आपका जो भी सवाल है तो आप किसी और वीडियो में ना पूछ के इसी सीरीज के पहले वीडियो में पूछिएगा जो मैंने अभी दो तीन दिन पहले शेयर किया है सबसे पहले इस पौधे की लोकेशन देखिए कि मैंने इस पौधे को कहाँ पर रखा है ये वीडियो दिल्ली से बनाया जा रहा है और दिल्ली में अभी मई के महीने का तापमान क्या हो सकता है आप लोग अनुमान लगा सकते हैं ये पौधा बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता है जब हम कोई वीडियो देखते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना होता है कि वो वीडियो आप कहाँ का देख रहे हैं हो सकता है कि आपने वीडियो देखा जहाँ पर मौसम ठंडा है पर मैं आपको बता रही हूँ कि यह दिल्ली से वीडियो बनाया जा रहा है मौसम बहुत गर्म हो रहा है तो अभी इस पौधे को ठंडक की ज़रूरत है तो इस पौधे को मैंने वहाँ पर रखा है जहाँ पर आसपास काफ़ी सारे पौधे रखे हुए हैं वक्त हो रहा है सुबह का साढ़े आठ और यहाँ पर ठीक सात बजे जैसे ही सूरज उगता है तो यहाँ पर धूप आनी शुरू होती है और नौ बजे तक की धूप रहती है यानी कि पूरे दो घंटे की धूप बस इतनी पर्याप्त है दिल्ली जैसे गर्म मौसम के लिए नीचे निकाल के दिखाते हो थोड़ा सा और बातें क्लियर हो जाएंगी अब देखिए यहाँ पर ये जो खूबसूरत से फूल खिलते हैं तो जब ये फूल खिलने के बाद सूख जाते हैं तो इनको हमें काट के निकालना बहुत ज़रूरी होता है जो जो आपके सूख चुके होते हैं उनको काट के निकाल दीजिए साथ ही साथ ये फूल खिलने के बाद इन्हीं में बीज भी बनते हैं तो अगर आप बीज बनाना चाहते हैं तो कुछ एक रहने दीजिए पर सारे मत छोड़िए इससे क्या होगा कि पौधा अपनी बहुत सारी एनर्जी इन सूखे फलों में बीज बनाने में लगा देगा जो एनर्जी का हमारे लिए कोई मतलब नहीं रहता पौधे पे अननेसेसरी बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा दूसरा एक और बहुत जरूरी काम कि इस पौधे में अभी गर्मी की वजह से पत्ते सूखने शुरू होते हैं तो सारे पत्ते आपको बहुत ध्यान से सूखे सूखे निकाल देने हैं कुछ पौधे हमारे इतने डेलिकेट होते हैं कि उनको हमें बहुत सारी पैम्परिंग करानी होती है तो इस पौधे में ना फंगस बहुत जल्दी लगता है ज़्यादा नमी की वजह से और ये जो सड़े गले पत्ते इसमें गिरते रहेंगे ना तो इसका जो डंठल होता है ना तो बहुत नाजुक होता है उस डंठल में कई बार फंगस पकड़ लेता है और उसके बाद फिर पौधे को बचाना हो जाता है बहुत मुश्किल तो आप क्या करेंगे कि इस प्लांट की सफाई बहुत अच्छे से करेंगे सारे सूखे पत्ते निकालेंगे पत्ते अगर बहुत ज़्यादा घने हैं ना तो भी आप कुछ एक पत्ते काट के निकाल दीजिए होता क्या है कि इस पौधे के पत्तों में ही इतनी खूबसूरती होती है ना कि हम इनको काटना नहीं चाहते जब पत्तों का बहुत सारा झुरमुट हो जाता है ना तो इस पौधे में हवा का आवागमन हो जाता है कम और लगातार नमी रहने से यहाँ पर हो जाता है बहुत सारा फंगल इन्फेक्शन आज मैंने सुबह पानी दिया मिट्टी में नमी है मिट्टी में आपको नमी तो बनाए रखनी है चूँकि गर्मी का मौसम है पर लगातार इसमें अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहेगी तो निसंदेह आपका पौधा गल के ख़त्म हो जाएगा मिट्टी में पानी आपको तभी देना है जब आपको लगे कि देने की ज़रूरत है क्योंकि इस समय हम इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रख रह रहे हैं तो मिट्टी में नमी कई दिन तक बनी रहती है मिट्टी बिल्कुल पोरस होगी जिसमें पानी ठहरे नहीं फिर भी अगर आपको लगता है कि पानी ज़्यादा हो गया तो आप हल्के हाथों से आसपास गुड़ाई करके छोड़ दीजिए जिससे कि मिट्टी की नमी जल्दी उड़ जाए एक काम और आप कर सकते हैं आपके पास साइड पाउडर है तो आधा चम्मच घोल के आप इसकी मिट्टी में डाल दीजिए तो फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं रहेगा आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे आधा चम्मच हल्दी एक गमले में मिट्टी में बुरक देंगे थोड़ा सा इसके डंठल पे बुरक देंगे तो बहुत सारी बीमारियों से दूर रखेगा ये हल्दी पाउडर आपके इस पौधे को मिट्टी में नमी है तो आप क्या करेंगे मिट्टी में पानी नहीं देंगे आप ऊपर से मिस्टिंग करेंगे हल्का हल्का पानी का छिड़काव कर देंगे तो इस पौधे में ताजगी बनी रहेगी अब जहाँ से मैंने उठाया था तो वहीं पर मैं इस पौधे को रखने जा रही हूँ पर आप कहीं नहीं जाएंगे आप क्या करेंगे सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको हमारे परिवार से जुड़ने की ज़रूरत है तो बेल आइकन दबा दीजिए आपका बहुत सारा स्वागत है हमारे परिवार में बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट है कोई कीमत नहीं होती है सिर्फ़ आपको आइकन दबाना है और इन्जॉय करना है बहुत सारे वीडियोज का फिर से मिलूंगी बहुत जल्द तब तक के लिए धन्यवाद